जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। आगामी श्रावणी मेला को लेकर बोलबम सेवा समिति की बैठक, कई बिंदुओं पर चर्चा। मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल के कमलापुल के पश्चिमी तट पर स्थित पर्णकुटी मंदिर परिसर में श्रावणी मेला को लेकर बोलबम सेवा समिति का बैठक आयोजित की गई, जिसमें बालक बाबा दास नागा के अध्यक्षता में श्रावणी महीना में कांवरिया की सेवार्थ हेतु एक टीम का गठन किया गया। बैठक में सभी सदस्यों ने मेला को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करने के लिए विचार विमर्श किया। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसको लेकर सभी सुरक्षात्मक पहलुओं पर भी विचार किया गया। मेला को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकारिणी टीम का गठन किया गया, जिसमें संयोजक के तौर पर बालक दास बाबा, संरक्षक उमेश यादव, मदन यादव, रामदास हजरा, अध्यक्ष शशि शेखर हजरा, उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव, सचिव अनुराग कुमार पंकज, कोषाध्यक्ष अजय कापड़, उप कोषाध्यक्ष सूर्यदेव पासवान, उप सचिव सिकंदर मुखिया, संयुक्त सचिव संतोष राय, मीडिया प्रभारी सुधांशु कुमार एवं पप्पू पूर्वे एवं सदस्य के तौर पर रंजीत राय, रामभरोस राय, संतोष साह, कृष्णा साफी, कृष्णा कुमार, अजय राय, रोशन चौधरी, ललन मंडल, रोजिन मुखिया एवं अन्य लोगों को शामिल किया गया। इस अवसर पर बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष शशि हजरा ने कहा कि यहां हर साल बोलबम सेवा समिति के द्वारा कांवरिया को ठहरने के लिए जगह, दवाई, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। इस श्रावणी मेला में विभिन्न प्रकार के झूले, मीना बाजार सहित कई दुकानें भी लगाई जाएगी। प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु पवित्र कमला नदी से जलभराव करके कपिलेश्वर स्थान, शिलानाथ एवं विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। इस बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया। किया है, क्या चीज को लेकर बैठा किया? सावन का जो मेला लग रहा है इस बार 2023 ईस्वी में, उसी श्रावणी मेला के लिए हम लोग आपसे बैठक किए। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ है? हम लोग का बिंदु है, सबसे बड़ा यहाँ जो बात होता है, तो सबसे पहले तो कमेटी के गठन के संबंध में बात होता है। कमेटी के गठन के बाद मेला कैसे लगेगा, उसका सुचारू रंग से कैसे हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे, इसी सब के संबंध में बातचीत हो रहा है। कितने सालों से यहाँ पर आप लोग मेला लगा रहे हैं? हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग के समय तो कम से कम 10-15 साल, लेकिन ये कार्यक्रम 50 साल से चल रहा है। यहाँ पर कांवरिया कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ कांवरिया पूरे जिला से आते हैं, जिला के बाहर से भी आते हैं, कोई सीमा नहीं है कि कहाँ से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं श्रद्धालु। कांवरियाओं के लिए आप लोग क्या क्या सुविधा दे रहे हैं कमेटी की? कांवरिया के लिए हम लोग सुविधा देते हैं, मेडिकल की व्यवस्था रहती है, पेयजल की व्यवस्था रहती है, रहने सहने की व्यवस्था रहती है। कुछ ऐसे कांवरियाँ हैं जिनको किसी रूप से परेशानी हो, चाहे आर्थिक हो या कोई हो, उसका भी हम लोग मदद करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हो गया अनुराग कुमार पंकज। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।